क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इफ द करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू देयर सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या कह रहा है कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है मतलब दोनों का मास तो हम लोग सेम ले सकते हैं। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, लेट से वी वन स्पीड से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेट से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वी टू स्पीड से। दोनों का मास एम है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक का लैम्डा 1 है और एक का लैम्डा 2 है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमको गिवन है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, और हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लगाएंगे m1 v1 m2 v2, तो ये v2 i कैप होगा और ये v1 j कैप होगा। देखिए ध्यान से, तो ये बन जाएगा m into v2 i कैप प्लस m into v1 j कैप एंड अपॉन टोटल मास यानी कि 2m। तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 ऑफ v2 i कैप प्लस v1 j कैप, ठीक है। हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के वेलोसिटी क्या नजर आएगी। तो उसको हम लोग लिखेंगे v2 माइनस vcm। अच्छा v2 की वैल्यू बनेगी ध्यान से देखो, तो v2 i कैप और माइनस vcm करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ v2 i कैप प्लस v1 j कैप, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1 बाई 2 ऑफ v2 i कैप एंड माइनस v1 j कैप। और अगर हम इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो निकल के आएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इसका अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। देखिए ध्यान से, तो अब अगर हम लैम्डा में रिलेशन लिखना चाहते हैं तो हमको मालूम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है। तो सिंपली वी वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी वन की जगह एच अपॉन एम लैम्डा 1 और वी टू की जगह एच अपॉन एम लैम्डा 2, और लैम्डा ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की जगह लिखेंगे एच अपॉन एम इंटू मॉड ऑफ v2 with respect to center of mass का magnitude and this is equal to, अब इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये बनेगा h upon, देखिए ध्यान से, h upon m, और ये वैल्यू हो जाएगी under root of v2 square plus v1 square, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। और v2 और v1 की ये जो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज आप उठा के यहाँ रखिए, तो देखिए फाइनली हमको इससे मिलेगा 2 टाइम्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।